जंगलमां भटकत रही गई। परमात्मा इस ऋण का व नियम का बतामा का समाप्त कर दें, जेहि उन्हें बांधो वाचा के कारण पालन करा करा हुआ। फिर उस सिनय पर्वत से आगे उनखर अगुवाई करीन, परमात्मा उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाकर चाहत रहे हैं। परमात्मा बादल के खंभा में आगे आगे चलो और उनखर पीछे पीछे चलें। परमात्मा अब्राहम इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा करे रहे हैं कि ऊ प्रतिज्ञा के देश का उनके वंशज का दे ही। पर यह समय हुन बहुत सारा जाति के मनई रहत रहे हैं, ऊ कनानी कहावत रहे हैं और ऊ कनानी मनई परमात्मा के आराधना नहीं करत रहे आ और पाखर आज्ञा भी नहीं मानत रहे आ। ऊ झूठा देवी देवतन के उपासना करत रहे हैं और बहुत बुरा काम भी करत रहे हैं। परमात्मा इसराइलिन से कहिन, जब तुम वह वाचा के देश में जया तब ऊ कनानी से छुटकारा पा लया, उनके साथ संधि मत करिया और उनसे शादी मत करिया। तुम ही उनकर सबला मूर्ति का नाश करते कहा और तुम मोर आज्ञा न मनिया तो तुम मुहे छोड़ के उनखर देवी देवतन की उपासना कर लगिया। जब इसराइली कनान के सीमा में पहुँचे, मूसा हर एक गोत्र से एक एक थी 12 मेंसरवा का चुन लईस। वह उन्हें जाके वह देश के भेद लामा का निर्देश देकर भेजिस कि देखा कि वह कैसा देश हबा। उन्हीं ऊ कनानी के भी भेद लेकर रहा कि ऊ बलशाली हैं या निर्बल। ऊ 12 मेंसरवा पूरा कनान से होत होत 40 दिन की यात्रा करिन और फिर ऊ लौट आइन। ऊ मनिन का बताइन वह देश बहुत उपजाऊ हबा और फसल उपजाऊ हबा, बहुत ज़्यादा हबा। पर 10 थे भेदी कहिन उनखर नगर बहुत मजबूत है और ऊ बहुत लंबा चौड़ा हैं। अगर हम उनके ऊपर हमला कर देऊबा तो निश्चित ऊ हम ही हरा दई ही और मार डलही। तब तुरंत कालेब और यहोशू और दूसर भेदी कहिन, ये सच आए कि कनान के मने लंबा और बलशाली हैं, पर जरूर हम उन्हें हरा सकब, कैसे कि परमात्मा हमरे लाने लड़ी। पर मने कालेब और यहोशू के नहीं सुनिन, ऊ मूसा और हारून के ऊपर गुस्सा होई गे और कहिन, तुम हम ही यह भयानक जगह में कहे लेके आए हब, हम मिस्र ही में ठीक रहे हन। अगर हम वदेश में जौबा तो हम युद्ध में मारे जौबा और कनान के मनई हमरे मेहरिया और लड़कन का अपन दास बना लई ही। ऊ मनई वापस मिस्र जाए के लाने एक ठी अगवा बनामा का चाहत रहे। जब ऊ मनई ऐसा कहिन तब परमात्मा बहुत गुस्सा होइगे। ऊ मिलाप वाला तंबू मा आए और कहिन, तुम मोरे खिलाफ बलवा करे हा, एके वजह से तुम सब का यह जंगल मा भटका का होई। हर जन जोन 20 साल के हा या ज्यादा हा सब मर जाई हा और कभू वह देश मा न जा पाई हा जोन मैं तुम्ही देत हूँ। बस कालेब और यहोशू व मा जा पाई ही। तब जब मनई परमात्मा का ऐसा कहत सुनिन तो ऊ दुखी होई गे, कैसे ऊ पाप करे रहे हैं। एके वजह से ऊ कनान के मनैन के ऊपर हमला करा के निर्णय लेन। मूसा उन्हीं न जाए के लाने चेता दईस, कैसे परमात्मा उनके साथ नहीं रहे आए, पर वाखर नहीं सुनिन। परमात्मा यह युद्ध में उनके साथ नहीं गो आए, एके वजह से कनानी उन्हीं हरा दईन और उन मन से बहुत झन का मार डालिन। तब इसराइली मनई कनान से वापस मुड़ गए। आगे 40 साल तक जंगल में चारों तरफ भटका लगे। इसराइली मनई द्वारा जंगल में 40 साल भटके के साथ परमात्मा उनकर सकला आवश्यकता का पूरा करिन। ऊ उन्हीं सड़क के मन्ना कहामा वाले रोटी देन। ऊ बटेरन के थाक भी जौन मध्यम आकार के पक्षी हो था उनके छावनी में भेजिन, कहे से कि उनकर पास खाए का मांस हो। वह पूरा समय में परमात्मा कपड़ा और जूतन का फटा नहीं देन। पर सब होए के बाद इसराइली मनई परमात्मा के और मूसा के खिलाफ शिकायत करिन और कुड़कुड़ाइन। तभु परमात्मा विश्वास योग्य रहो आओ, ऊ जौन प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अब्राहम इसहाक और याकूब के वंश के लाने करी तन ऊ पूरा करिन। एक समय जब ऊ मनई के पास पानी नहीं रहो
परमात्मा मूसा से कहिन कि चट्टान से बात कर, और उसे पानी निकली। पर मूसा चट्टान से बात नहीं करिस, बल्कि वह लाठी से चट्टान में दो बार मार दईस। ऐसा करके वह परमात्मा के निरादर करिस। तब सबके लाने चट्टान से पिया का पानी निकल आओ। पर परमात्मा मूसा से गुस्सा हो गई। ऊ कहिन कि ते ऐसा करे हस, तें अब प्रतिज्ञा के देश में जाए न पई है। जब इसराइली मने 40 साल तक जंगल में भटक लेन, तब जौन परमात्मा के विरुद्ध बलवा करे रहे हैं ऊ मर गए। तब परमात्मा उमनैन का फिर से वह प्रतिज्ञा के देश में सिवाने तक ले गए। अब मूसा बहुत बूढ़ा होएगा, इखे वजह से परमात्मा मनैन के लाने अगुवाई में सहायता करे के लाने यहोशू का चुनिन। परमात्मा मूसा से प्रतिज्ञा भी करिन कि एक दिन वह मनैन के पास मूसा जैसे एक थी भविष्यवक्ता का भी भेजी। तब परमात्मा मूसा का एक थे पर्वत में जा का कहिन, कहे से वह प्रतिज्ञा के देश का देख सका। मूसा व प्रतिज्ञा के देश का देखिस, पर परमात्मा वह मां जाए के अनुमति नहीं देन। तब मूसा मर गा और इसराइली 30 दिन तक दुख मनाऊत रहेगी। यहोशू उनखर नया अगुआ बन गा। यहोशू अच्छा अगुआ रहा, वह परमात्मा के आज्ञा और परमात्मा के ऊपर भरोसा रखा वाला अच्छा मन ही रहा। निर्गमन अध्याय 16 से 17, गिनती 10 से 27, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय से बाइबल की एक कहानी।